वेल हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। मैं अंसारी, आप सभी लोगों का रणबीर कपूर, अमिताभ बच्चन, आलिया भट्ट एंड अयान मुखर्जी की फिल्म ब्रह्मास्त्र पार्ट वन शिवा के डे नंबर 3 के एडवांस बुकिंग एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या हो रहा है मेरा भाई? इट्स अ ब्यूटीफुल डे, तू मेरे साथ है, इट्स अ ब्यूटीफुल डे, बॉक्स ऑफिस की बरसात है। वेल फ्रेंड्स, एब्सोल्यूट अमेजिंग सीन्स। संडे इज गोना बी अ स्टेलर ऑल टाइम रिकॉर्ड एंड डे टू रणबीर कपूर की फिल्म ब्रह्मास्त्र ने हिंदी फिल्म इतिहास के पूरे पन्नों को नए तरह से लिख दिया है। दिस हैज बिकम द हाईएस्ट सेकेंड डे इन द हिस्ट्री ऑफ हिंदी सिनेमा। यस, केजीएफ चैप्टर 2 बाहुबली 2 आए थे हिंदी डब्ड में, लेकिन फॉर एन आउटराइट ओरिजिनल हिंदी फिल्म यहाँ पर इस फिल्म ने डे टू के रिकॉर्ड्स पूर्ण तरीके से वापस लिख दिए गए। लेकिन भैया, ये एपिसोड शुरू करने से पहले हम लोग आलिया भट्ट को आलिया मुखर्जी कह रहे थे, ये मेरा पांचवा टेक है। लेकिन गाइस, एक्साइटमेंट ही ऐसी है क्योंकि गाइस, एक जमाना हुआ करता था जब बॉक्स ऑफिस एपिसोड हम सुबह 7-7:30 बजे बनाया करते थे। इंथुजियाज्म रेडी थी बॉडी में, चाहे वो टाइगर जिंदाई के टाइम हो, कबीर सिंह हो, चाहे वो वॉर हो, इवन फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट तानाजी हो, एक अलग एक्साइटमेंट रहता था फिल्म में। 250+, 280, पद्मावत के टाइम पर 300 करोड़, वॉर के टाइम पर 300+ करोड़, टाइगर जिंदाई 330, क्या एक जमाना हुआ करता था। एंड आज ब्रह्मास्त्र ने बॉलीवुड इंडस्ट्री को वापस से लाके वहीं खड़ा कर दिया। तो आज के एपिसोड इज गोना बी ओनली नंबर क्रंचिंग, बहुत लंबा एपिसोड है। एंजॉय द नंबर्स, क्योंकि गाइस दीज नंबर्स आर म्यूजिक टू माय इयर्स एंड टू एवरीवन इन द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री एंड द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। क्योंकि गाइस, इस फिल्म को वो डिजर्व हुआ है जो है वाकई में हकदार थी। चलिए इसके एपिसोड शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, बात करूं आज तमिलनाडु की, तो सभी लोगों को पता है कि कल एपी तेलंगाना में ब्रह्मास्त्र ने सारे के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। धूम 3 ने जो 9 साल पहले का रिकॉर्ड बनाया था एपी तेलंगाना में, वो यहां पर ब्रह्मास्त्र ने पहले दिन तोड़ दिया। लेकिन तमिलनाडु में इससे पहले किसी भी हिंदी फिल्म ने वहां जाकर 1.63 करोड़ का बिजनेस नहीं किया था ऑल लैंग्वेजेस मिलाकर फॉर एनी गिवन डे। लेकिन ब्रह्मास्त्र ने एनी गिवन डे यानी किसी भी दिन हाईएस्ट बॉलीवुड फिल्म का कलेक्शन जो है वो कल तोड़ दिया है। यानी कि हिंदी, तमिल एंड तेलुगु वर्जन्स जो फिलहाल तमिलनाडु में चल रहे हैं, अपने दूसरे दिन ब्रह्मास्त्र ने 1.62 करोड़ कमाए। देखिए गाइस, पहले दिन तो फिल्में रिकॉर्ड तोड़ती है, दूसरे दिन आकर गिरती है। लेकिन ब्रह्मास्त्र यहाँ पर पहले दिन तो किया, लेकिन दूसरे दिन भी रिकॉर्ड्स फाड़ रहे हैं। पीवीआर, द नेशनल चेन ऑफ मल्टीप्लेक्सेस सिनेमास, एक ऐसा रॉयल लग्जरी सिनेमा हाउस जहां हर आदमी जाना पसंद करता है, वहां पर यहां पर नए सुनहरे पन्ने लिखना शुरू कर दिया है ब्रह्मास्त्र ने। पीवीआर सिनेमास में हाईएस्ट ऑल टाइम डे था, यानी कोई भी दिन पर केजीएफ चैप्टर 2 का जो हिंदी वर्जन था उसे 9.33 करोड़ की कमाई की थी। यस, एवेंजर्स एंड गेम ने बाप लेवल कलेक्शंस किए, लेकिन वो इंग्लिश फिल्म थी। हम इंडियन कंटेंट के बारे में बात कर रहे हैं। एंड गाइस, उसके बाद वॉर थी 8.85 करोड़। लेकिन गाइस, पहला दिन तो छोड़ दीजिए, दूसरे दिन में ब्रह्मास्त्र ने इनके पहले दिन के रिकॉर्ड तोड़ दिए, विच वो हाईएस्ट फॉर एनी गिवन डे, आप समझ रहे हो। एंड ब्रह्मास्त्र ने यहां पर अपने दूसरे दिन केवल पीवीआर में 9.75 करोड़ का बिजनेस किया है, एंड ऑल टाइम रिकॉर्ड फॉर पीवीआर सिनेमास। एंड पीवीआर इज एब्सोल्यूट इन ऑफ ब्रह्मास्त्र्स बॉक्स ऑफिस। गाइस, ऐसे नंबर्स हमने पहले कभी देखे नहीं, तो ऑल टाइम रिकॉर्ड है फॉर पीवीआर सिनेमास। फ्रेंड्स, बात करूं डे नंबर 1 की, तो पीवीआर सिनेपोलिस एंड आइनॉक्स ने 18 करोड़ कमाए थे। लेकिन डे 2 पीवीआर 9.75 करोड़, डे 2 सिनेपोलिस 4 एंड आइनॉक्स 6.95। जस्ट इमेजिन, इस फिल्म ने यहां पर अपने दूसरे दिन 20.70 करोड़ रुपया नेशनल चेन ऑफ मल्टीप्लेक्सेस ने अपने दूसरे दिन कमाया। सो गाइस, ब्रह्मास्त्र इज ऑल सेट टू ब्रेक एवरीथिंग 3 मिलियन क्लब में। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वहां पर पहुंच चुका है। एंड अब गाइस, बात करते हैं कि मंडे के बारे में। गाइस, बहुत लोग ये खुशी मना रहे हैं, ये भविष्यवाणी करके बैठे हैं कि भैया फ्राइडे सैटरडे संडे तो खेल लेगी, मंडे फिल्म का पैकअप हो जाएगा। आई गॉट बैड न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू एंड गुड न्यूज फॉर ऑल द फिल्म लवर्स। मंडे इसकी एडवांस बुकिंग फाइल लेवल की चल रही है। अगर मंडे सस्टेन कर लेता है, स्काई इज द लिमिट, क्योंकि अगले हफ्ते कोई बड़ी फिल्म नहीं है। एंड डेफिनेटली इसको और 2 हफ्तों का, जब तक विक्रम वेदा एंड पोनियन सेल्वन 1 नहीं आ जाती, इस फिल्म को ओपन रन है। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर राज करने वाली है 2-3 हफ्तों तक। एंड गाइस, बात करूं डे नंबर 2 की, कल रात को मैंने आपको बताया
बताया था कि इसका हिंदी प्लस साउथ के जो जितने वर्जन है उसको मिलाकर ये फिल्म 42 करोड़ का बिजनेस करेगी। ट्रेड के फिगर्स आ चुके हैं एंड ट्रेड ने हिंदी वर्जन 37 करोड़ डिक्लेयर किया है एंड साउथ के 4 करोड़ का वर्जन डिक्लेयर किया, यानी कि ट्रेड ने ऑलरेडी 41 करोड़ रुपीज फॉर ब्रह्मास्त्र डिक्लेयर कर दिया, यानी कि द हाईएस्ट डे नंबर 2 इन द हिस्ट्री ऑफ हिंदी सिनेमा एंड ये जाता है ब्रह्मास्त्र को। तो अब जब ऑफिशियल फिगर्स आएंगे तब मैं आपको इसके रियल नंबर्स जो है यानी कि हिंदी वर्जन के एंड वर्ल्ड वाइड वो आपको बताऊंगा दोपहर में, तब मैं आपको पूरी लिस्ट बताऊंगा कि डे नंबर 2 में कौन सी फिल्में उस लिस्ट में थी। कांग्रेचुलेशंस ब्रह्मास्त्र, हाईएस्ट डे 2 इन द हिस्ट्री ऑफ हिंदी सिनेमा गोज टू ब्रह्मास्त्र। गाइस ये बात है ना, अगर 2019 में होती या 2018 में होती ना मैं बहुत कैजुअल होता, पैंडमिक के बाद ये नंबर्स करना बाप लेवल का सिचुएशन है। 41 करोड़ कितनी बड़ी बड़ी फिल्में जैसे कि जर्सी, जयेश भाई जोरदार, हीरोपंती 2, इनके लाइफ टाइम कलेक्शंस भी नहीं है। आप समझ रहे हो ये किस वक्त में कर रहा है एंड इसको कितना ऑपोजिशन मिला है डिस्पाइट दैट ब्रह्मास्त्र इज डूइंग दीज क्रेजी नंबर्स। इसीलिए गाइज जो एक्साइटमेंट है वो सबसे हाई है। बात करूं गाइज हिंदी वर्जन की, डे नंबर 1 32 करोड़, डे नंबर 2 37 करोड़, इसी के साथ दो दिनों में फिल्म ने 69 करोड़ कमा लिया है। आज संडे ये फिल्म कैसी भी 40 करोड़ कमाएगी, मैं नेट बता रहा हूँ, ग्रॉस नहीं बता रहा हूँ। जब वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कैलकुलेट होता है तब ग्रॉस ही कैलकुलेट होता है, तो इंडिया में नेट होता है कैलकुलेट एंड संडे 40 करोड़ कमाया था। ब्रह्मास्त्र 3 दिनों में 110 करोड़ कमा लेगा। साउथ वर्जन भी ला लू, डे नंबर 1 ब्रह्मास्त्र 36.50, डे नंबर 2 41-42 है, यानी कि दो दिनों में 77.50 से 78.50 करोड़ कमा लिया है। आज संडे 45 करोड़ होगा, यानी कि ब्रह्मास्त्र इतिहास लिख देता है, द हाइएस्ट वीकेंड फॉर एनी हिंदी फिल्म आउटराइट 122 से लेके 123 करोड़। दीज आर मैड नंबर्स, ऐसी फिल्म के लिए इतने बड़े नंबर्स करना बहुत ही जरूरी थे। मैंने पहले ही बोला ब्रह्मास्त्र को कैसे भी 3 दिनों में 100 करोड़ का बिजनेस करना है, पहले दिन 30, दूसरे दिन 35, तीसरे दिन 40, लेकिन इसने हमारी सारी उम्मीदों के ऊपर जाकर एंड पब्लिक जो इसे सपोर्ट दिखा रही है, दिस विल बिकम अ कल्ट क्लासिक, ट्रस्ट बी ऑन दिस वन। इसकी फैन थियरीज बनेगी, इसके एंडिंग्स पर मल्टीपल डिस्कशंस होने वाले हैं, इसके सुपर हीरो पावर्स पर अब हमारे लोग बात करना शुरू करेंगे एंड यही मैं चाहता था एंड यही आई थिंक अयान मुखर्जी का विजन है। अयान मुखर्जी गाइस दिस मैन्स विजन हमको बहुत बड़ा सबक एंड बहुत बड़ी सीख देता है किस तरह से अगर आपको किसी भी चीज पे विश्वास है इरिस्पेक्टिव ऑफ द आउटकम आप उसको फॉलो कीजिए। फॉलो योर ड्रीम्स, ड्रीम्स सच होते हैं गाइस। ये बंदा यूएस गया, 6-7 साल मैंने सिर्फ VFX डिस्कस किया, वहां जाकर म्यूजिक सिटिंग्स पर बैठा, मल्टीपल यू नो चेंजेस हुए हैं इसके CGI को लेकर, यहाँ आया स्टोरी बोर्ड, नरेशन स्टोरी बोर्ड, पूरा का पूरा स्टोरी बोर्ड बनाने में 1-1.5 साल गया इस ब्रह्मास्त्र के लिए, उसका VFX, द कैमरा, पूरा का पूरा स्टडी कैम, ये बहुत मेहनत का प्रोसीजर है गाइज। दिस फिल्म लुक्स वेनिला ऑन टॉप सिंपल, लेकिन नहीं मेरा भाई, हर एक सीन एक एक क्राफ्ट है जिस तरह से शूट किया गया है गाइज। इतने बड़े कास्ट को साथ में लेकर आना, अयान मुखर्जी का विजन जो है आज यहाँ पर कामयाबी जो है पाते हुए दिखाई दे रहा है। ये हम जैसे यूथ के लिए एक बहुत बड़ी सबक है कि वर्क हार्ड एंड आपको जो फल है जिंदगी का जरूर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं एपिसोड में एंड कल क्या हो रहा है मेरा भाई, हाँ ये क्या है भाई, पर रात को अभिषेक बोल रहे थे 1 बजे पिक्चर देखने चलिए पापा, हम बोला हम इतना जल्दी नहीं जाते, हम सुबह उठते हैं भाई, तो हम सुबह जाएंगे फिल्म देखने के लिए। तो अभिषेक ने बोला कि भैया 5 बजे के शो भी लगे हुए हैं। तो गाइस कल पागलपना चल रहा था मुंबई में, बोरीवली में सुबह के 1 बजे के शो थे, 1:45, 5:36 ये हमने कब देखे थे, एवेंजर्स एंड गेम, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में, यू नो KGF चैप्टर 2 में, KGF चैप्टर 2 में मैं खुद सुबह 5 बजे का शो देखने गया था PVR में एंड कल वही हुआ। ब्रह्मास्त्र का सुबह 2:30 बजे का, आपकी स्क्रीन पे मैं स्क्रीनशॉट्स दिखा रहा हूँ, देखिए 2:30 बजे का शो रखा था। जस्ट इमेजिन दिन में फिल्म इतनी फुल है IMAX में कि रात के 2 बजे के शोज रखने पड़ रहे हैं PVR को, एब्सोल्युटली ह्यूमंगस गाइस। वो कहते हैं ना कि लेट द वर्क डू योर टॉकिंग, आपका काम आपके लिए बात करता है सीरियसली एंड ये फिल्म अपने लिए बात कर रही है, इसकी सपोर्ट ऑडियंस दिखा रही है वो उसके लिए बात कर रहा है एंड सुबह 5:30 का IMAX का शो था। ट्रस्ट मी ऑन दिस वन, मुझे सुबह पता चला, ये अगर पता होता साला हम 2:30 बजे निकल गए होते भाई IMAX में देखने के लिए। मंडे आई एम गोइंग टू वॉच दिस फिल्म इन IMAX, मुझे पता है कि IMAX में फिल्म देखने के बाद यू नो जो ऑडियंस का रिएक्शन रहता है अलग ही रहता है। मैंने IMAX में कितनी खराब से खराब फिल्में देखी है
लेकिन जो आईमैक्स एक्सपीरियंस है इट्स एक्सपीरियंस ऑफ अ लाइफ टाइम। अपने व्लॉग्स भी आईमैक्स के ऊपर आप जाके जरूर देखिए एक बार। बात करेगा इस गुवाहाटी आसाम की, तो मेरे सब्सक्राइबर्स ने मुझे कहा कि सर गुवाहाटी में अनुराधा सिनेपोलिस सेंट्रल मॉल ये सारे के सारे फुल हो रहे हैं, प्लीज अपने एडवांस बुकिंग में इसको इंक्लूड कीजिए, तो आपकी रिक्वेस्ट पे इंक्लूड किया गया है। मलेशिया इज गोइंग पैक टू कैपेसिटी इन 3 दिनों में वर्ल्ड वाइड ये फिल्म 210 करोड़ का बिजनेस करने वाली है। अब बात करते हैं डे नंबर 3 की, इसके बारे में वीडियो बना है। यहाँ पर 14,522 शोज दिखाए जा रहे हैं डे नंबर 3 के एडवांस बुकिंग। डे नंबर 2 डे नंबर 1 से बहुत ज्यादा है एंड डेफिनेटली आज का जो कलेक्शन है वो डे नंबर 2 एंड डे नंबर 1 से बहुत ज्यादा आने वाला है। डे नंबर 3 की एडवांस बुकिंग की बात करूं तो फिल्म ने यहाँ पर 22.50 करोड़ का एडवांस बुकिंग कर लिया है, जो अपने आप में एक अविश्वसनीय उपलब्धि है। बात करूं फुटफॉल्स की तो कल 15 लाख का नंबर आया था, लेकिन गाइस ऑल इंडिया डेटा कैलकुलेट करने के बाद डे 1 21 लाख का फुटफॉल आया है। 21 लाख का फुटफॉल समझते हो, बड़ी से बड़ी पिक्चरों का आज के जमाने में नहीं आता। एंड दूसरे दिन का फुटफॉल 23.25 लाख है, यानी कि ऑलमोस्ट 2 दिनों में 44 से 45 लाख लोगों ने यहाँ पर ब्रह्मास्त्र को सिनेमा घर में देख लिया। एंड डेफिनेटली 1 करोड़ का जो फुटफॉल है वो बहुत जल्दी यहाँ पर अचीव होने वाला है। अब गाइस हम बात करते हैं यहाँ पर ब्रह्मास्त्र की कि किस तरह से मुंबई में हो रहा है। 824 शोज है मुंबई में आज एंड ऑलमोस्ट 100 हाउसफुल शोज है एंड 320 फास्ट फिलिंग है। दिस इज द क्रेज ऑफ ब्रह्मास्त्र इन मुंबई। अगर आपको मुंबई में क्रेज लग रहा है, दिल्ली NCR इज बर्स्टिंग विद ब्रह्मास्त्र। जो पागलपन है दिल्ली NCR में, 3D शोज एब्सोल्युटली क्रेजी। दिल्ली NCR में 720 शोज में 150 हाउसफुल है, 250 फास्ट फिलिंग है, एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल। पुणे में 332 शोज में यहाँ पर ऑलमोस्ट 100 फास्ट फिलिंग है। बेंगलुरु में 373 शोज में 100 हाउसफुल, 95 फास्ट फिलिंग है। हैदराबाद में 243 शोज में ऑलमोस्ट 120 हाउसफुल है। कोलकाता में 264 शोज में 70 फास्ट फिलिंग है। दीज आर क्रेजी नंबर्स। एंड चेन्नई में 80 फास्ट फिलिंग शोज है। आज ब्रह्मास्त्र कहीं भी जाएगा 40 करोड़ तो हिंदी नेट आएगा, ऑल लैंग्वेज शायद 45 फाड़ दे, क्योंकि गाइस दीज आर मैड नंबर्स। एंड बात करते हैं 2D वर्जन की, तो आज 2D वर्जन हैज जॉइंड द पार्टी। मुंबई में 529 2D शोज है। हम सभी लोगों को मालूम है हम डेली शोज डिस्कस करते हैं, हमने देखा किस तरह से फिल्में आई, चाहे वो रक्षाबंधन हो, लाल सिंह चड्ढा हो, फिल्मों के शोज दूसरे दिन तीसरे दिन कम कर दिए गए जबकि सामने कोई शोज नहीं था। डिस्पाइट दैट लेकिन ब्रह्मास्त्र के शोज बढ़ते जा रहे हैं। फ्रॉम अ 400 2D शो काउंट टू 529 2D शोज ऑन इट्स थर्ड डे इज अ मैड नंबर। एंड आज ऑलमोस्ट 55 फास्ट फिलिंग 2D शोज है। एंड ये 2D वर्जन हैज जॉइन द पार्टी, अब सिर्फ और सिर्फ धन बरसेगा। बात करूं यार इस दिल्ली NCR की, 679 शोज में 150 2D शोज आ फास्ट फिलिंग। पुणे में 241 शोज में 25 फास्ट फिलिंग। बेंगलुरु में 88 शोज में 18 फास्ट फिलिंग। हैदराबाद में 117 शोज में 40 फास्ट फिलिंग। द 2D शोज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। लेकिन गाइस जो आईमैक्स वर्जन है, लुक एट दिस, मुंबई में आज 32 शोज है, कल तक 30 थे। अब सभी लोगों को मैंने बताया किस तरह से 230 का एंड उसके बाद जो 5 o'clock का शो है वो भी ऐड कर दिया गया है। यहाँ पे ऑलमोस्ट 17 फास्ट फिलिंग शोज है। तो गाइस एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल सीन्स। ब्रह्मास्त्र वो कर रहा है जो हमने केवल सपने में कल्पना एंड उम्मीद की थी। अब ये पूरी की पूरी पटरी जो है वो वापस से ट्रैक पर आ रही है। लोगों को फिल्म देखना है, वो आकर फिल्म देखेंगे डिस्पाइट वॉट एवर पीपल वॉन्ट टू से। जनता जनार्दन है, उन्होंने मन बना लिया कि हमको ये फिल्म देखनी है तो देखनी है। एंड गाइज अब बात करें यहाँ पर अन्य आईमैक्स वर्जन की। दिल्ली NCR 22 शोज है आईमैक्स के, 16 हाउसफुल है। पुणे में 5 में 4 हाउसफुल है। बेंगलुरु में 29 में 23 हाउसफुल है। कोलकाता 5 में 4 हाउसफुल है। चेन्नई में 9 में 7 हाउसफुल है। ब्रह्मास्त्र इज एन ब्लॉकबस्टर, ट्रस्ट मी ऑन दिस वन। अगर कल मंडे सस्टेन कर लेता है ब्रह्मास्त्र को ये बॉक्स ऑफिस पे हिट एंड ब्लॉकबस्टर होने से कोई रोक नहीं सकता मेरा भाई। इट्स अ मैग्नम ओपस ब्रह्मास्त्र, द ड्रीम ऑफ एवरीवन इज जस्ट पंपिंग इन एट द बॉक्स ऑफिस। गाइस जितना हो सके एपिसोड को शेयर कीजिए एंड जितना हो सके एपिसोड को लाइक कीजिए। मैं अमर अंसारी साइनिंग ऑफ, यू गाइस सी मी वेरी सून। टिल देन एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन एंड द इंडस्ट्री इज वेटिंग फॉर द ऑफिशियल फिगर्स फॉर डे नंबर 2। लेट्स सी व्हाट द फिगर इज। स्टे कूल मैन।